हेलो फ्रेंड्स, पाइथन जीयूआई ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे कि पाइथन में मेन्यूज किस तरीके से बनाते हैं। तो हाउ टू क्रिएट मेन्यूज, मेन मेन्यू किस तरह बनाते हैं, उसमें सब मेन्यूज किस तरह से जोड़ते हैं, अगर हमें आइटम्स के बीच में अगर कोई सेपरेटर डालना हो तो वो कैसे डालेंगे हम। टियर ऑफ क्या होता है और कैसे इसे हटाते हैं, और मेन्यू की कैस्केडिंग किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से आइटम्स को जोड़ते हैं। तो ये हमारे जैसे मेन विंडो है, यहाँ पर मैंने दो मेन्यूज आपको दिखाए, फाइल मेन्यू और हेल्प मेन्यू, और इसके सब आइटम्स हैं न्यू और एग्जिट, और यहाँ पर है ये अबाउट। तो आज हम पढ़ेंगे कि पाइथन में मेन्यूज किस तरीके से बनाते हैं। चलिए थोड़ा सा कोड देखते हैं पहले यहाँ पर, फिर मैं आपको पीसी पर भी इसे बनाकर दिखाऊंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पाइथन में मेन्यू किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट टीके इंटर मॉड्यूल, और इसके बाद जो है फ्रॉम टीके एंटर इंपोर्ट मेन्यू मॉड्यूल कॉल करेंगे, इसमें इंपोर्ट करेंगे मेन्यू। और इसके बाद मास्टर विंडो क्रिएट करेंगे, मास्टर इक्वल्स जीयूआई डॉट कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, इससे हमारी जो मास्टर विंडो क्रिएट हो जाएगी। और इस पर टाइटल सेट कर सकते हैं, मास्टर डॉट टाइटल, और टाइटल में आप यहाँ पर लिख देंगे मेन्यू, कि आपकी मेन विंडो होगी उस पर मेन्यू लिख के दिखेगा कि आपने इसमें मेन्यू बनाया हुआ है। यहाँ पर आप टाइटल कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी आप चाहें वो टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके बाद जो है हम बनाएंगे अपना मेन्यू बार, ठीक है, जैसे आपकी विंडो होती है इस तरह से, और विंडो पे ये मेन विंडो हो गई आपकी यहाँ पर। और यहाँ पर एक मेन्यू बार होगा जिसपे हमें आइटम्स दिखते हैं। सबसे पहले क्रिएट करेंगे इस मेन्यू बार को। तो मेन्यू बार, तो मैंने वेरिएबल लिया है एम बार इक्वल्स मेन्यू, ये कॉन्स्ट्रक्टर है इसका मेन्यू का, मेन्यू मॉड्यूल से कॉन्स्ट्रक्टर कॉल किया मेन्यू, और इसमें मास्टर विंडो को पास कर दें, ये जो हमारी मास्टर विंडो है इसे पास कर देंगे यहाँ पर मास्टर। और इसके बाद इसको कॉन्फिग करेंगे इस मास्टर विंडो को, कि इस मास्टर विंडो पर जो हमारा बार है मेन्यू बार वो डिस्प्ले हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना है, मास्टर डॉट कॉन्फिग, और यहां पर कॉन्फ़िगर करेंगे मेन्यू को, मेन्यू इक्वल टू जो है ये हमने जो बार बनाया हुआ है वो यहाँ पास कर देंगे एम बार। इस स्टेटमेंट से जो हमारी मेन विंडो है उसके ऊपर ये मेन्यू बार क्रिएट हो जाएगा। और अब हम देखेंगे कि अपने इस बार के ऊपर यहाँ फाइल मेन्यू और जो हमने हेल्प मेन्यू ऐड किया था वो कैसे बनाएंगे, देखते हैं। अब हम बनाएंगे यहाँ पर फाइल मेन्यू, तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया एफ मेन्यू इक्वल्स, और यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टर कॉल किया मेन्यू, और यहाँ पर हम पास करेंगे जो हमारा बार है, क्योंकि हमें ये जो फाइल मेन्यू चाहिए बार पे चाहिए, मेन्यू बार पे, तो ये एम बार का ऑब्जेक्ट यहाँ पास किया एम बार मेन्यू बार, और टी आर ऑफ प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, टी आर ऑफ प्रॉपर्टी इक्वल्स यहाँ जीरो सेट कर दिया है। ये टी आर ऑफ क्या होता है, जब भी पाइथन में आप मेन्यू बनाते हैं तो इस तरीके से, जैसे आपका ये फाइल मेन्यू है तो यहाँ पर जो भी आइटम्स आएंगे सब मेन्यूज के उसके ऊपर उस तरह से एक डैश लाइन दिखती है। अगर वो लाइन आपको नहीं चाहिए तो आप टी आर ऑफ की प्रॉपर्टी जो है वैल्यू जो है जीरो सेट करेंगे। तो ये लाइन जो है वो डिस्प्ले नहीं होगी यहाँ पर। और सिंपली आपका यहाँ पर फाइल एग्जिट जो भी मेन्यू आप बनाएंगे वो डिस्प्ले होगा यहाँ पर, तो टी आर ऑफ इक्वल टू जीरो। अगर आप इसे नहीं करेंगे, इस प्रॉपर्टी को पास नहीं करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक डैश लाइन इस तरह से दिखेगी। तो आप इसे टी आर ऑफ को जीरो कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमें इस कमांड एड करना है इसके अंदर, एफ मेन्यू डॉट एड कमांड मेथड कॉल करेंगे, और यहां पर लिखेंगे लेवल इक्वल्स न्यू। तो ये एक लेवल क्रिएट हो जाएगा यहां पर,
न्यू लेवल। ओके, इस तरह से आपको दूसरा लेवल बनाना है यहाँ पर एग्जिट। तो आप सेम इस तरीके से एफ मेन्यू डॉट एट अंडरस्कोर कमांड, और इस तरीके से यहां पर पास करेंगे आप लेवल इक्वल टू एग्जिट। ओके, तो इस तरीके से ये दो आइटम्स जो है मैं हमारे फाइल मेन्यू पे क्रिएट हो गए हैं। अब अगर आपको यहाँ पर सेपरेटर डालना है तो आप सेपरेटर लगा सकते हैं इसके बीच में यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप किस तरीके से लगाएंगे, एफ मेन्यू डॉट एड सेपरेटर, इस तरीके से। तो आपके जो मेन्यूज होंगे, जैसे फाइल मेन्यू है और इसमें ये दो आइटम होंगे आपके पास यहाँ पर, न्यू और एग्जिट। तो इस तरीके से ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी, जो कि ये सेपरेटर लाइन है, न्यू, न्यू के बाद सेपरेटर के बाद एग्जिट। तो इस तरीके से इतना कोड आपने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, अब इसको जो है हम एड करेंगे अपने फाइल मेन्यू के ऊपर। तो आप इस तरीके से करेंगे यहाँ पर एम बार डॉट एड कैस्केड। ओके, और लेवल इक्वल टू यहां पर हो जाएगा हमारा फाइल। ओके, कॉमा यहां पर हो जाएगा मेन्यू इज इक्वल टू एफ मेन्यू। ओके, तो ये जो हमारा ये मेन मेन्यू है फाइल का, इससे ये क्रिएट होगा। और ये जो मैंने एफ मेन्यू ऑब्जेक्ट यहां बनाया, जिसमें मैंने ये न्यू और एग्जिट और ये सेपरेटर यहाँ क्रिएट किए हुए बनाया है, इसको हमने यहाँ पर पास कर दिया। तो ये आपके मेन बार में इस मेन्यू को ऐड कर देगा इस फाइल मेन्यू के साथ में, इस तरीके से। और ये एड कैस्केड जो होता है, वो आपके जो आइटम्स होते हैं जो आपने क्रिएट किए हैं, न्यू एग्जिट या और जो भी आप क्रिएट करेंगे, उनको इस तरीके से वर्टिकल लाइन्स में, वर्टिकल पोजिशन में कैस्केड करता है, अरेंज करता है ये। तो इसके लिए हमने एड कैस्केड फंक्शन मैथड कॉल किया है। ओके, इस तरीके से जैसे मैंने ये फाइल मेन्यू बनाया है, इसी तरीके से जो है आप अगला कोई मेन्यू बनाना हो आपको, अबाउट है, हेल्प है या कोई और भी, तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं पीसी पर और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है इसे बना सकते हैं। तो उसको कोड करके मैं आपको दिखाऊंगा। ओके।